नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं विभाग बात। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की, राजनीति का आकलन करेंगे ज्योतिष के जरिए। और इस चर्चा में साथ देने के लिए मेरे साथ में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी के बारे में अगर कुछ बोलूँगा तो सूर्य को आईना दिखाने जैसा होगा। हम सीधे सीधे बात करते हैं। बड़ी उथल पिथल चल रही है। दिग्विजय सिंह साहब का बयान आया कि विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है और ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सरकार गिराने की साजिशें शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही है। और आपको मैं बताऊं, चूंकि माननीय कमलनाथ जी ने जिस लग्न में शपथ ली, बहुत ही अस्थिर लग्न है, जब तक वो सत्तासीन रहेंगे साजिशें जो है लगातार चलती रहेंगी। आप सभी जानते हैं, चूंकि आपको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप स्वयं भी उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। मीन लग्न जिसके बारे में कहा जाता है, मीन माने मछली, आप देखिए चंचला है, चंचला है। तो मीन लग्न में आपने शपथ ली, चंद्रमा का गोचर, मीन राशि और मीन लग्न, आप समझते हैं कि अस्थिरता, जब तक ये सरकार चलेगी तब तक हमेशा अस्थिर बनी रहेगी। कमलनाथ जी की बात चल रही है, इसलिए सवा साल होने आ गया सरकार को, लेकिन जो कहा जाता है कि सरकार ने ये अच्छा किया, ये बेहतरीन काम किया, एक साल में ये रिजल्ट आया, कमलनाथ जी को देखे ऐसा कुछ बन नहीं पाया, इसकी वजह क्या है? देखिए कमलनाथ, ज्योतिष कुछ इशारा करता है इसमें? मैं ज्योतिष पे बात कर लेता हूँ। कमलनाथ जी की कुंडली मूलतः मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। देखिए, जब तक शनि चला, शनि ने उनको पूर्णतः काम नहीं करने दिया। शनि जो है वो 23 जनवरी के बाद उनकी राशि से निकला और आप देखिए कि उनके ऊपर 12 लगभग 13 माह तक गुरु का मार्कीश भी चला। शनि और गुरु ने, जिसके कारण ये लगता था कि अब गए तब गए, मैंने हमेशा लगता था कि सरकार कब गिरेगी, कब चली जाएगी, आप कुछ भी स्पष्टता से बता नहीं सकते। हालांकि अभी 26 फरवरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब से मार्कीश खत्म हुआ है, शनि की अशुभ 7.5 ही उनके ऊपर से गई है, मुझे लगता है उसके बाद से परेशानियों का दौर थोड़ा सा कम होगा। हालांकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता सबको चाहिए। पर जी, कमलनाथ जी की बात चल रही है तो एक खास चीज देखने की आई कि अलग अलग नेता, कभी गोविंद सिंह जी कमलनाथ जी की सरकार पे सवाल उठा देते हैं कि हम जो करने आए थे वो नहीं कर पाए, कभी कक्का जी बोलने लगते हैं, कभी लक्ष्मण सिंह जी बोलते हैं, कभी उनके सहयोगी दल के लोग, कभी शेरा बोलते हैं, कभी रमाबाई बोलती हैं। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हमारी सरकार में हमारी नहीं सुनी जा रही। तो इससे बड़ा कोई आक्षेप मुझे लगता है कमलनाथ जी पे नहीं हुआ। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? देखिए, आप सबसे पहले राहुल अजय सिंह जी की बात कर लेते हैं, मिथुन लग्न और सिंह राशि के जातक, वो भी मिथुन लग्न, मिथुन लग्न। मध्य प्रदेश की राजनीति में मैं आपको बताऊं, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, मिथुन लग्न और मिथुन राशि इस समय सब बिल्कुल आप जिसको कहें उरूस पे चल रहे हैं। तो आप देखिए, चूंकि एम्बिशन था, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे प्रदेश के, चूंकि बहुत पुराने मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, तो मैं आपको बताऊं कि सबका अपने आप में चूंकि महत्वाकांक्षी तो सभी हैं। अब देखिए कि आदमी चाहता क्या है, तो चूंकि मूलतः जिस विंध्य प्रदेश की राजनीति वो हमेशा करते हैं, विंध्य प्रदेश में उनकी सुनी नहीं जा रही। लेकिन क्या होता है कि हर नेता क्या चाहता है कि हमारे इलाके का कलेक्टर, SP या प्रशासनिक अधिकारी जो हो, कम से कम हमारे हिसाब से। मुझे लगता है अजय सिंह जी का इतना बुरा वक्त तो BJP के शासनकाल में भी नहीं था जितना इस समय। सुनी नहीं जा रही, ना केवल उनकी नहीं सुनी जा रही, अभी तो मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश के सबसे प्रभावी जो इस समय लोक निर्माण मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनका उन्होंने भी चाशनी वाला स्टेटमेंट दिया, बहुत शानदार। उन्होंने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं है। आज का आप अखबार पढ़े तो उमंग सिंगार ने माननीय कमलनाथ जी को एक पत्र लिखा है कि ACSR मेरी नहीं सुन रहे। वो उमंग सिंगार साहब हों, प्रद्युम्न सिंह तोमर हों, मंत्रियों की फिरिश्त है कि जिनकी अपने डिपार्टमेंट में बनती नहीं है, उनकी सुनी नहीं जाती है, वो करना कुछ चाहते हैं और कुछ और जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मूलतः ये उसी राज की तरफ लौट रहे हैं जिसकी शुरुआत माननीय दिग्विजय सिंह जी ने की थी। आप देखिए, उस समय प्रशासन कौन चलाते थे? अमर सिंह, RN बैरवा जैसे लोग प्रशासन को चलाया करते थे, अन्यथा क्या परिस्थिति हुई आपने देखा माननीय दिग्विजय सिंह जी। ज्योतिष में क्या कहते हैं इस ये जो स्थितियां बनी हुई है? मैं ज्योतिष में आपको इस तरह से ले चलता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की जो राशि है वो मध्य प्रदेश मेष लग्न और कन्या राशि का स्टेट है। कन्या राशि अभी शनि अभी उतरा है, मास्टर प्लेनेट जुपिटर अभी भी राशि से चतुर्थ भाव में चल रहा है। हालांकि वो 2 महीने के लिए मकर राशि में प्रवेश करेगा, परंतु उसके साथ शनि और मंगल की भी युति बनेगी। मंगल मध्य प्रदेश की राशि में मार्केश है,
तो आप देखेंगे कि अप्रैल से लेकर जून तक मध्य प्रदेश की परिस्थिति और भी गड़बड़ाएगी, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश और भी अपने निचले स्तर तक पे जाएगा, पैसा मध्य प्रदेश के खजाने में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, आय के स्रोतों में कमी आएगी। तो आप देखिए पूरे साल भर का स्पान क्या होगा, खर्च कैसे चलाओगे, ओवरड्राफ्ट आपको लेना पड़ेगा, पूरा पूरा वित्तीय प्रबंधन आपका गड़बड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की राशि बहुत कमजोर है, कन्या राशि का स्टेट है, बुध इस समय चल रहा है। तो कब तक ये स्थिति कब तक रहेगी मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की स्थिति आने वाले 2.5 वर्षों तक रहेगी। जब तक गुरु का गोचर मीन राशि में नहीं पहुंचेगा तब तक मध्य प्रदेश की स्थिति इसी प्रकार से रहेगी। मकर में जाएगा थोड़ा सा लाभ होगा, लेकिन राहु उस समय वृषभ राशि। लेकिन इसमें एक चीज आपने की कमलनाथ अब थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहे हैं, कमलनाथ जी स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि उनका लग्न और उनकी राशि जो है दोनों साजिशें चलती रहेंगी खत्म हो जाएंगी। साजिशें तो लगातार चलेंगी क्योंकि जिस लग्न में उन्होंने शपथ ली है वो साजिशों का सबसे बड़ा लग्न होता है। आपको याद होगा, आप जानते हैं कि शाहजहां ने जब शपथ ली थी तो शाहजहां ने भी शपथ जो है उसके बारे में कई ज्योतिषियों ने लिखा था, उर्दू का एक बहुत अच्छा शब्द है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसका जो तात्पर्य था कि उन्होंने बहुत ही अस्थिर लग्न में शपथ ली थी जिसके कारण शाहजहां कभी स्टेबल नहीं हुए और उन्हीं के लड़के ने सब को मिटाया और अंतोदप्पा औरंगजेब गद्दी पर बैठा। मुझे लगता है कि इस प्रकार की साजिश मानी कमलनाथ जी के प्रति बहुत ज़्यादा चली और उसका खामियाजा भी वो भुग सकते हैं। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर उनको तकलीफ आना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य भाव का स्वामी बुध लगातार कमजोर बना हुआ है। जब तक आप स्वास्थ्य को मजबूत नहीं करेंगे आप प्रशासन को चलाने में आपको समस्या बनी रहेगी क्योंकि कमलनाथ जी के ऊपर सारा दारोमदार है। ऐसे में आपको लगता है कहीं ज्योतिष के आधार पे कि कमलनाथ जी हटा के कोई और मुख्यमंत्री बन सकता हो कांग्रेस में या तख्ता पलट हो सकता हो, ऐसी कहीं संभावनाएं लगती हैं आपको? देखिए बिल्कुल, राहु चूंकि लग्न से 12वें भाव में इस समय उनके लग्न में गोचर रहते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है, राहु का गोचर मिथुन राशि में बना हुआ है, सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, केतु की युति वर्तमान में गुरु के साथ है। इस समय गुरु केतु और मंगल मानी कमलनाथ जी की कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी, 6ठा भाव माने शत्रुओं का भाव। आप देखिए युति कहाँ पर बनाकर बैठे हैं, सप्तम भाव, हाउस ऑफ रिलेशन। संबंध राजनीतिक भी होते हैं, संबंध सामाजिक भी होते हैं, संबंध सांसारिक भी होते हैं, संबंध हर प्रकार के होते हैं। मंगल की युति कब तक चलेगी? मंगल अभी चलेगा 1 अप्रैल तक, उसके बाद मंगल कहाँ जाएगा? उच्चतम अवस्था में, कहाँ? अष्टम भाव। 9 जून तक स्वास्थ्य को लेके मानी कमलनाथ जी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, 9 जून तक मंगल वहां पर रहेगा। राजनीतिक दिक्कत नहीं है? राजनीतिक दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती, स्वास्थ्य और उनके खिलाफ साजिश, जो उन्हीं के जो लोग बीच बीच में बोल रहे हैं ये भी तो साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब साजिश, आस पड़ोस के लोग हैं जो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुख्यमंत्री है क्योंकि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और बरसों तक उन्होंने प्रशासनिक अनुभव लिया हुआ है, उस प्रकार से मुझे लगता है कि उनके खिलाफ साजिश। एक चीज और आती है बीच में कई बार कमलनाथ जी को लेके कि उनके ऊपर कुछ मामले हैं, सिख दंगों के आरोप उनके ऊपर हैं, तो ऐसे कोई गड़बड़ी की आशंका कहीं लगती है उनकी कुंडली को देखने के बाद? देखिए बिल्कुल लगती है। क्या होता है कि केतु जो प्लेनेट होता है, केतु का जब भी ट्रांजिट सप्तम भाव में, और अब केतु कहां जाने वाला है आप याद रखिए, केतु दिसंबर में जाएगा उनकी कुंडली के 6ठे भाव में। केतु का एकमात्र काम होता है कि पुरानी चीजों को नए उभारने का काम करता है। आप देखिए हिंदुस्तान में जो CAA को लेकर आग लगी हुई है, 15 दिसंबर को केतु के साथ जैसे ही गुरु की युति हुई, केतु अल्पसंख्यक माने माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, दलित SC ST को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही गुरु की युति हुई आप देखिए हिंदुस्तान में आग लग गई। तो ये केतु है, केतु का ट्रांजिट जैसे ही दिसंबर की तरफ वो आगे बढ़ेगा 6ठे भाव की तरफ, यानी आप उसका स्पान मान के चलिए अगस्त के आसपास, अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में केतु जैसे ही सप्तम से 6ठे भाव की तरफ बढ़ेगा तो वो पुरानी चीजों को उभारेगा, स्वास्थ्य भी है, शत्रु भी है, पुराने मामले भी हैं, तो वो उभारने का पूरी तरह से काम करेगा। तो ऐसे में ज्योतिषी सलाह क्या है, कमलनाथ जी को क्या करना चाहिए? केतु का जाप कराएं, क्या करें ऐसा कि मुसीबतों से दूर हों, क्योंकि एस्टेब्लिश मुख्यमंत्री होगा तो प्रदेश का भला हो पाएगा, नहीं तो राजनीति चलती रहेंगी। मैं यहाँ पे अपनी बात कहना चाहूंगा, पंडित अरविंद तिवारी को आमंत्रित करें, मैं केतु का बहुत सुंदर सा उपाय बता दूंगा और वो करेंगे और लाभ होगा उनको, 100% लाभ होगा, ये मैं आपके चैनल पे पूरे दावे के साथ। अंग्रेजी की कहावत है प्रेयर्स गो अप एंड ब्लेसिंग कम डाउन, प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं आशीर्वाद नीचे आती हैं। एक पात्र और है मध्य प्रदेश की राजनीति के, श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी बहुत एक्टिव हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है
कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल यथार्थ। देखिए क्या उनकी राशि ऐसा कहती है कि बिल्कुल मैं आपको उन्हीं की राशि पे आता हूँ। अब तो चूंकि मुख्यमंत्री नहीं इसलिए मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण भी कर सकता हूँ। मीन लग्न नहीं, आप तो मुख्यमंत्रियों की कुंडली का भी विश्लेषण कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री क्या है फिर जी? तो देखिए मीन लग्न मीन राशि के वो जाता है। मीन लग्न अगेन अस्थिरता में आ, मैंने व्यक्ति जो है एक जगह बैठ नहीं सकता। आप शिवराज जी को कभी एक जगह स्थिर रूप से बैठा हुआ कभी नहीं पाएंगे। शिवराज जी हमेशा अस्थिरता से बंधे रहते हैं। शिवराज जी के साथ एक और सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा वो लग्न में बैठा हुआ है। तो आप देखिए उनके जितने भी मित्र हैं वो मित्र उतने बुद्धिशाली और उतने ज्ञानी नहीं है जो कि होना चाहिए, जो एक पॉलिटिशियन को सही सलाह दे पाए। क्योंकि सप्तम भाव में उच्च का बुध है, आप देखिए उच्च के बुध होने के कारण जो वैवाहिक सहयोगी है तो बहुत बुद्धिमान है और उसकी कुंडली के कारण वो मुख्यमंत्री के पद तक आगे भी गया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज जी ऐसे ही चलते रहेंगे और बहुत ज़्यादा उनकी एक बड़ी इच्छा है शिवराज जी के भीतर, जितना मैंने उनको समझा है वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चांस है या नहीं ज्योतिष के आधार पर? ज्योतिष के आधार पर कहूँगा कोई चांस नहीं शिवराज जी के लिए, कोई चांस नहीं। पंडित अरविंद तिवारी जी कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भविष्य में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पंडित जी से ज्योतिष के आधार पर राजनीतिक चर्चा का दौर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपने तो 71 से लेकर 62 तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे, इस दौर में सबसे ज़्यादा ताकतवर सरकार किसकी नज़र आई? अब जो कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी गाली दे लीजिए, लेकिन बात यह है कि उस महिला ने वो करके दिखाया जो हमारे किसी मर्द ने नहीं किया। फिर दो चीजें निकल के आई, एक ढोर चराए और बाजा बजाए। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है बेरोजगारी के नाम पर। तो आज कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सोच हर तबके के बच्चे के लिए, पढ़ा लिखा भी और अशिक्षित भी। कमलनाथ जी का भविष्य कैसा दिखता है? 27 जुलाई की मैं तारीख को आपके सामने कह रहा हूँ कि इसके बाद ये सरकार मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय सर्वाइव कर पाएगी। बचपन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया कि ये बहुत लड़ते हैं, पता नहीं मंत्री बन गए तो क्या कर देंगे, ये इसमें कहाँ क्यों नहीं दिया, इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा ये बात हुई कि नहीं आगे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद एक कोई ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस में बना है जो इस तरह के विचार रखता है। आप नेता से पहले कवि हैं। इस देश में दो किस्म की संस्थाएं, एक अवार्ड देती हैं, दूसरी अवार्ड लौटाती हैं। दरिया हमारे पास है, समंदर तलाश कर। तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। मैं आरोप झूठा लगाऊं या आप मेरे पर झूठा आरोप, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो सत्य समझ। अगर साधवी बीजेपी से नहीं होती तो शायद उनकी जमानत जब्त हो जाती। पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया, तब सारी दुनिया चाहती थी, सारा देश ये चाहता था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी लहर थी। और इस बार मोदी जी के लहर के साथ साथ विकास की लहर थी, दोनों मिलकर आंधी बनी है। उनको घर बनाना मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा ताकत है। शरीर तो होता है मकान, लेकिन घर बनाने में दिल लगाना पड़ता है। पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। ब्रेक के बाद बेबाक बात में आपका स्वागत है। पंडित अरविंद तिवारी ज्योतिषी आधार पर मध्य प्रदेश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब भविष्य में फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब शिवराज जी करेंगे क्या? देखिए मुझे लगता है शिवराज जी राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाहेंगे, हालांकि प्रदेश से वो तो जाना नहीं चाहते, प्रदेश से मुंह उनका छूट नहीं पा रहा है। मेरी ये सलाह है आपके चैनल के माध्यम से, मैं माननीय शिवराज सिंह जी से यही गुजारिश करूंगा कि उनको प्रदेश की राजनीति से दूर होकर राष्ट्रीय राजनीति, वो मानने को तैयार नहीं है। कौन से प्लेनेट ज्योतिष के जो ऐसा करवाते हैं, मैं उनको ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन मुझे पंक्तियां वो याद आती हैं कि मेरा मन कहाँ आनंद सुख पावे, उड़ी जहाज का पंछी पुनः जहाज पे आवे। तो वो तो जाते हैं दिल्ली तक और फिर लौट के शाम को मध्य प्रदेश आ जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, अस्थिर लग्न भी जाता है, मीन लग्न। मछली को आप समझते हैं, मछली एक स्थान पर जाएगी फिर उस स्थान पर वापस लौट के आएगी, वो कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकती। मीन लग्न चूंकि राशि स्वामी उनका गुरु, लेकिन सर 13 साल मुख्यमंत्री रहे वो, 13 साल मुख्यमंत्री रहे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय भाभी जी की कुंडली का है। उनकी कुंडली का योग उतना प्रबल नहीं था जितना प्रबल माने साधना। तो क्या भाभी जी राजनीति में आ जाएं, साधना सिंह जी? मुझे लगता है कि साधना सिंह जी राजनीति में आ सकती हैं और उनके आने के योग भी बनते हैं। और मेरा मानना है कि मैं तो यही सलाह दूंगा मनीष शिवराज जी को
क्योंकि बहुत ही जननायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उस जन। लेकिन आज भी जब मैं पत्रकारिता की दृष्टि से कह रहा हूँ कि जब कमलनाथ जी की और शिवराज जी की तुलना करते हैं तो आज भी लोकप्रियता के मामले में शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से कई गुना आगे हैं, कई गुना आगे हैं। मध्य प्रदेश में जैसा हमने चर्चा शुरू की कि दिग्विजय सिंह जी ने आज जो बातें कहीं और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि सब हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, विधायकों की खरीद फरोख्त होगी, सरकार को गिराया जाएगा, स्थिर किया जाएगा, सब बातें हैं। एक नाम उभर के आता है नरोत्तम मिश्रा साहब का, एक नाम उभर के आता है कैलाश विजयवर्गीय जी का। पहले नरोत्तम जी के बारे में, देखिए नरोत्तम जी की कुंडली अब काफ़ी बेहतर इस समय बनी हुई है क्योंकि 23 जनवरी को शनि उनकी राशि को छोड़ चुका है जिसने उनको बहुत तंग किया, और मुझे लगता है कि 1 मार्च से उनकी तो 1 अप्रैल से उनकी कुंडली बेहतर होना चाहिए क्योंकि गुरु का ट्रांजिट भी उनकी राशि से पराक्रम भाव में, गुरु मंगल और शनि तीनों पराक्रम भाव में चलेंगे, तो 3 महीने मुझे लगता है कि नरोत्तम भाई को बहुत अच्छे। नहीं, आप देखिए कि पिछले दिनों मंत्री पद तो गया अपयश के भागी भी बने, कई बार अपयश के भागी बने थे, लेकिन गुरु शनि और मंगल तीनों उनके लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन में आ रहे हैं, तो नरोत्तम जी का कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य होना चाहिए। पॉलिटिकली लगातार वो सीधे कमलनाथ के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कहीं से कोई मौका नहीं देखते, जैसे एक अच्छा क्रिकेटर होता है ना, वो गली हो पिच का कोई हिस्सा हो छोड़ता नहीं है, तो वही उसी भूमिका में अभी नरोत्तम मिश्रा है, पूरी ताकत से लगे हुए। नरोत्तम भाई का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। भारतीय जनता पार्टी में मैं 3 लोगों की कुंडली की बात करूँगा जिनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सबसे पहला नाम मैं लूंगा माननीय नरोत्तम मिश्रा का, दूसरा यदि भविष्य है तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का, और तीसरा नाम मैं एक बार पुनः लेना चाहूँगा माननीय उमा भारती जी का क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। अब कैलाश जी की कुंडली क्या कह रही है? देखिए कैलाश जी की कुंडली इस समय चूँकि शनि और राहु उनको बहुत तंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कैलाश जी ने संयम रखना सीख लिया है। आपने देखा होगा कि पिछले जब वो बोल जाते हैं, अब नहीं बोल रहे हैं वो, आप देख रहे होंगे वो लगातार या तो इंदौर में होते हैं या अपने पश्चिम बंगाल में लगे हैं, वो तो रमे हुए हैं तो वहाँ चले जाते हैं, और अब आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से उनका कोई वक्तव्य नहीं आया। एक वो पोहे वाला वक्तव्य था जो बांग्लादेश को लेकर सोनार बंगाल बनाने में लगे हुए इस समय, तो मुझे लगता है कैलाश जी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और वो उनके नेतृत्व में मैं आपके चैनल उनपे लगता है कैलाश जी में कहीं भविष्य का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा निसंदेह कैलाश जी की कुंडली में लिखा हुआ है, वो भविष्य में भले कितने भी दिन मुख्यमंत्री रहे लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के ज्यादा चांस हैं या इनके कैलाश जी के? अभी इस समय नरोत्तम जी के चांस थोड़े से ज्यादा है कैलाश जी के मुकाबले, चूंकि कैलाश जी के ऊपर शनि का अशुभ दहिया चल रहा है इसी कारण कैलाश जी को उससे परेशानी होगी, लेकिन मुझे लगता है नरोत्तम जी की कुंडली काफी बेहतर है कैलाश जी के। तो इन दोनों में क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी होता है राजनीति में, एक ग्वालियर चंबल से आते हैं नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय मालवा से आते हैं, और दोनों अपने इलाके में लोकप्रिय हैं, जीतते रहे हैं, अब तो कहीं ऐसा कोई सीक्वेंस नज़र आता है कि ये सरकार चली जाए और इनमें से कोई आगे आके और सरकार गिरा दे या बना दे? देखिए मैं आपको बताऊँ, कमलनाथ जी की कुंडली पे आ जाते हैं फिर से, लग्न में राहु है, राहु और केतु लगातार उनको तंग तो करते ही रहेंगे, राहू तो गड़बड़ भी करवा, राहू तो उनसे बहुत गड़बड़ी कराता रहेगा। राहू का काम होता है फ्लक्चुएट करना, राहू को हम ड्रैगन यानी एक ड्रैगन का हेड हमेशा उसको मानते हैं कि उसका काम होता है हमेशा डसने का, वो आपको कब डसेगा, आप जैसे सर के आसपास से आप निकलो कभी तो सर हो सकता है आपको डसे नहीं और कभी हो सकता है वो अनचाहे आपको डस ले, तो राहू का ये सबसे बड़ा काम होता है कभी भी वो डस सकता है। तो राहू देखिए राहू अभी लग्न में चलेगा, उसके बाद बारवा चलेगा, बारवा राहू भी बहुत खराब राशि से उसकी पोजीशन होगी सम सप्तम भाव जो अपने आप में बहुत कमजोर स्थिति रहेगी, राहु उनको तंग करेगा। परिस्थितियाँ मुझे लगता है कि 4 महीने में जो 1 अप्रैल से 9 जून के बीच में जो परिस्थितियाँ फेवरेबल हो रही हैं वो तो किसके लिए फेवरेबल हो रही हैं? सबसे ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के लिए, यदि नंबर 2 पर हम बात करें तो पोजीशन बनती है माननीय कैलाश जी के लिए चूँकि उन दोनों की कुंडलियाँ स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, क्योंकि इस समय कैलाश जी की कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शनि कर्म स्थान में गोचर रहे थे, गुरु भाग्य स्थान, शनि की समस्या है और कैलाश जी ने व्रत किया था 21 साल अन्न उन्होंने ग्रहण नहीं किया और प्रण ये था कि एक विशाल बजरंग बली स्थापित करने थे, शनि के प्रकोप को शांत करना था, वो उन्होंने कर ही लिया है। ज्योतिष के आधार पर राजनीति अपनी जगह है। एक नाम और आपने लिया उमा भारती, उमा भारती वो नेता है जिन्होंने मध्य प्रदेश में अलख जगाई, दिग्विजय सिंह के खिलाफ आंदोलन एक खड़ा किया, पूरी यात्रा निकाली और एक शब्द ईजाद किया था BSP बिजली पानी और सड़क, और दिग्विजय सिंह को तुरोहित कर दिया था उसमें। अब क्या लग रहा है
वो भी बोली, बहुत बोली, और बोल बोल के ये स्थिति हुई कि उनको पार्टी में उनके पूछने वाले नहीं बचे थे। लेकिन उमा जी की कुंडली, अब मैं आपको बताऊं कि उमा जी की कुंडली में शनि अब भाग्यस्थान में प्रवेश कर चुका है, जो कि उनकी कुंडली का भाग्येश है। और मैं आपको बताऊं, मैं ज्योतिष में एक ही चीज समझता हूं कि जब भी भाग्येश भाग्यस्थान में आ जाता है बलि हो जाता है वो। तो आने वाले 2.5 सालों में मणि उमा भारती जी का सितारा एक बार पुनः बुलंदी के शिखर को छूने वाला है, केंद्र की राजनीति में या मध्य प्रदेश की। मेरा स्वार्थ मध्य प्रदेश में। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक बार पुनः बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय होंगे, और मुझे लगता है कि संघ उनको एक बहुत बड़ी भूमिका देने जा रहा है। जो ज्योतिष के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इसमें विशुद्ध ज्योतिष है, राजनीति का कोई पुट नहीं। तो कहीं सिनारियों में बतौर सीएम उनको देख सकते हैं हम? नहीं, सीएम तो नहीं बनाएगी, सीएम बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन भूमिका जिसको हम कहते हैं एक संरक्षक की जो भूमिका है, एक बड़े बहन की जो भूमिका है प्रदेश की राजनीति में, बड़े स्तर की जो भूमिका है, उसमें माननीय उमा भारती जी पूरी तरह से दिखाई देते हैं। हमने शुरुआत में दिग्विजय सिंह जी से बात की, कमलनाथ जी की बात की, बीजेपी के चार नेताओं की बात की, इसके अलावा कोई बड़े चेहरे बचते नहीं हैं, तमाम सारे लोग हैं। एक नाम उभर के आया, वीडी शर्मा, छात्र राजनीति से वो आए, अचानक ग्वालियर चंबल से आते हैं, भोपाल में राजनीति करते हैं, खजुराहो से टिकट लेके जीतते हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन जाते हैं। शनि से वो भी बड़े पीड़ित रहे हैं। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि बीडी भाई की कुंडली मेरे पास रही और जिस समय उनको टिकट मिला था, तो मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हो। बीडी भाई भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे कि पंडित जी आपने कैसे कहा। तो मैंने कहा आपकी कुंडली मेरे पास है, तो मैं केवल उसी आधार पर कह सकता हूँ कि जो है आप जीतने जा रहे हैं। उस समय चूंकि उनको जिताने में जो जिस प्लेनेट की सबसे बड़ी भूमिका थी, वो प्लेनेट भी कहीं ना कहीं शनि ही था जिसने उनको शीर्ष तक पहुंचाया। बीच में पुनः उनकी परिस्थिति खराब हुई, लेकिन एक बार आप देखिए, पुनः शनि ने 23 तारीख को जैसे ही शनि उनके ऊपर से उतरा, और आप देखिए बीडी भाई की लॉटरी खुली, शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, बीडी भाई की कुंडली में पराक्रम भाव बैठा हुआ, यश मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह। आप देखिए मध्य प्रदेश में इससे बड़ा यश मान सम्मान नहीं होता कि आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ पद पर बैठ गए। जो लोग बीडी भाई को अपने विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं देते थे, मैं स्वयं उस बात का गवाह हूँ कि बीडी भाई को घुसने नहीं दिया गया, और आज वो अध्यक्ष बने हुए उस पार्टी के, अध्यक्ष बने बैठे हैं, और जो अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देना चाहते थे वो बीडी भाई के जयकारे लगा रहे, सितारे इन्हीं को खा जाते। यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की राजनीति की, भारतीय राजनीति की, कि हाँ अलग अलग किस्म के रंग, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उसमें ज्योतिष का तड़का भी लगता रहता है। तो फिलहाल हम क्या माने कि कमलनाथ जी 5 साल पूरे कर पाएंगे, बड़ी मोटी बातें लोग यही जानना चाहते हैं कि उमा जी हैं एक पात्र, शिवराज जी हैं एक पात्र, नरोत्तम जी हैं, विजय वर्गीय साहब हैं, इधर कांग्रेस में देखें तो कमलनाथ जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बात अगर नहीं करेंगे तो सब कुछ अधूरा रहेगा। वो लगातार घेरते हैं कमलनाथ जी को, चर्चा ये भी होती है बीजेपी वालों से भी उनके मधुर संबंध हैं, वो कभी बीजेपी में आ सकते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे आने की बात करते हैं, तो उनका भविष्य क्या कह रहा है? देखिए मैंने बहुत शुरुआत में आप ही के चैनल पे एक बार आपको याद होगा आपसे विभाग बात में ही कहा था कि उनका भविष्य बहुत कम है, धनु लग्न मकर राशि के जातक हैं। देखिए गुरु जब तक मकर राशि में पूर्णतया प्रवेश नहीं करेगा तब तक मानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कुंडली ऐसे ही कमजोर, मुझे लगता नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि उनको राज्यसभा में टिकट नहीं मिलेगा, मुझे ये लगता है चूंकि उनकी कुंडली बताती है, और मुझे लगता है वो कांग्रेस भी नहीं छोड़ पाएंगे, कांग्रेस भी नहीं छोड़ पाएंगे, जो कि वो मुझे राजनीति की दृष्टि से ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये वो देखिए अस्थिरता, मकर राशि को आप समझिए कि अस्थिर राशि की कुंडली होती है, अस्थिरता से हमेशा जातक भरपूर बना रहता है, उसका जो व्यक्तित्व है वो उभर के सामने नहीं आ पाता। देखिए एक जननायक, उनके पिता एक जननायक है ग्वालियर चंबल का इलाका जो है, और उन्होंने अपने दम पे कई विधायकों को जिताया, उनकी दादी जननायक रही, उनके पिता जननायक रहे, और स्वयं उनमें बहुत टैलेंट है, वो अपने टैलेंट और अपने उसके साथ उसका सदुपयोग नहीं करता। मुझे लगता है कि उनको किसी अच्छे ज्योतिष से अवश्य सलाह लेना चाहिए। ज्योतिर सिंधिया जी या उनके चाहने वाले देख रहे हो तो पंडित जी से जरूर मिलवाएं कि शायद जो कुछ बिगड़े काम है उनको पंडित जी ठीक कर दें। और मैं जितना अरविंद जी को जानता हूँ, कई बिगड़े लोगों की कुंडलियों को ठीक करने में उन्होंने सहभाग किया है, हो सकता है ज्योतिरादित्य के भी सितारे थोड़े ठीक ठाक हो जाए। आदमी अच्छे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं,
और बहुत मधुर व्यवहार है। मैं एक आध बार ऐसे ही मिला हूँ उनसे, लेकिन बहुत देर मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। मिलने में बहुत ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मधुरता है, और चूंकि वो एक लेगेसी से आते हैं तो उनको कुछ चीज़ें आती भी हैं। मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को राजनीति, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस जो है वो तीन नामों पे खत्म हो जाती है, दिग्विजय सिंह जी हो गए, कमलनाथ जी हो गए और ज्योतिरादित्य हो गए, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल बचता नहीं है, बाकी सब छोटे छोटे से नेता हैं। आप इनको कह लें कि जैसे एक जमाने में गढ़ी हुआ करती थी, छतरा पहनिए अपने अपने इलाके के सारे के सारे, सबकी गढ़ियां हैं और गढ़ी के वो अपने नेता हैं, वो स्थिति है। लेकिन ये जननायक है, इनको आना चाहिए। तो कमलनाथ जी के लिए माने 5 साल रहेंगे वो? मुझे लगता नहीं है कि 5 साल वो अपने पूरे कर पाएंगे, ये मुझे हमेशा से संशय रहा। और उसके पीछे एकमात्र केवल कारण, चूंकि उन्होंने जिस लग्न और जिस राशि में शपथ ली, वो हमेशा अस्थिरता से भरी हुई है, वो अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी। 5 साल आपको ऐसे लगेंगे कि अब गए तो अब गए, अब गए तो अब गए, ये परिस्थितियाँ पूरे 5 वर्ष चलेंगी। लग्न का राहु सप्तम का केतु, और उसके बाद दिसंबर के बाद अगले 18 महीने 12वां राहु छठा केतु, उनको बहुत तंग करेगी। मध्य प्रदेश कन्या लग्न, मिथुन राशि का प्रकोप और राहु केतु, ये 4-5 चीज़ें मोटी मोटी मुझे समझ में आई जो इशारा पंडित जी ने किया। वो कहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार स्थिर नहीं रहेगी, चलेगी भी तो डावाडोल होकर। पंडित जी आप स्टूडियो में, आपने बहुत समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।